Hi, good evening, Kumbawa, Namaste. I am Chef Kumar from Tokyo, Japan. Today I am going to show you how to make a goya, means karela, Japanese goya with Indian tadka. Healthy, easy and quick. So let's start. So start to make a goya, karela. We need 2 pieces of karela, jo around 500 grams hai. And 1 onion 200 gram, 1 green chili, 3 pieces of garlics and small piece of ginger. We cut from here. Make it half. And same this one. Make it half. And then cut into slice. Not very big, not very small. अब हम करेले को मैरिनेट करेंगे. मैरिनेट करने के लिए हम 2 tablespoons मस्टर्ड ऑयल लेंगे. हाफ टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस. Salt and turmeric powder and properly by hands इसको rub करेंगे. इससे क्या होगा, करेले के अंदर जो भी कड़वापन रहेगा वो सब चला जाएगा और खाने में अच्छा रहेगा. बच्चे भी पसंद करेंगे, बड़े भी पसंद करेंगे, हेल्दी भी है और सबसे बड़ी बात ये सीजनल वेजिटेबल है. और मैं हमेशा एज ए शेफ रिकमेंडेशन करता हूँ कि हमें हमेशा सीजन के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए. जो भी सीजनल फूड फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, प्रेफर करनी चाहिए कि हम वो ही खाएं. वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. अब मैरिनेट करके हम इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे. स्लिप फ्रॉम द मिडल एंड देन फाइंड. Of ginger, we cut slice first, and then julienne. And now cut the onion and make it half, and then same slice. After 15 minutes of marination, अब हम इसको स्क्वीज करेंगे. हमारा कड़वापन जो होता है, जिसके कारण हम इसको खाना पसंद नहीं करते मोस्टली लोग, वो सब बाहर निकल जाएगा. ये देखिए इसके अंदर से कितना जूस निकल रहा है. सारा कड़वापन मैंने इसका ऐसे मैरिनेट करके सारा बाहर निकाल दिया. अब ये हमारे करेले रेडी हो चुके हैं पकाने के लिए. ये देखिए इसका सारा कड़वापन. ये हेल्थ के लिए अच्छा है, आप चाहे तो इसको पी भी सकते हैं. तो सबसे पहले हमने एक पैन रख दिया है. पैन के हीट होने के बाद इसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगा अराउंड 50 to 60 ml. और मस्टर्ड ऑयल को हमने अच्छे से पकाना है, गरम करना है, जिससे कि उसकी कड़वापन स्मेल सब चली जाएगी. तो उसके लिए हमें एक से दो मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा. हम पहले पैन रखेंगे. पैन के अंदर हमने 20 to 30 ml मस्टर्ड ऑयल डालना है और उसे अच्छे से पकाना है. जब अच्छे से मस्टर्ड ऑयल पक जाएगा और उसमें से धुआं आने लगेगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हम करेले को इसके अंदर डाल देंगे. तो हम करेले को इसके अंदर शैलो फ्राई करेंगे, इससे ही करेला थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा.
धीमी आंच पे हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, नॉट डीप फ्राई, ओनली शैलो फ्राई, बिकॉज हमें इसको हेल्दी बनाना है। तो शैलो फ्राई करने से क्या होता है कि इस वेजिटेबल्स के अंदर जो भी प्रोटीन मिनरल्स होते हैं वो रहते हैं। धीरे धीरे इसको हम पकाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे हमने इसको सौते करना है तो फ्लेम पे। जब इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आने लगेगा तब हम इसको स्टॉप करेंगे, फिर दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए तेल अच्छे से पक चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे जिससे कि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो, उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक, अनियन डालना शुरू करेंगे। तो इसके गर्म होने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए वेट करना है। और सबसे पहले हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा सौते करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून फेनल सीड्स, जो बहुत अच्छा है इसके लिए फ्लेवर देता है। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन। 1 टीस्पून अजवाइन एंड 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। इसको अच्छे से पकाएंगे। पिंच ऑफ हींग, हींग को थोड़ा सा पकाएंगे। इसके अंदर हम अनियन, ओनियन को हम अच्छी तरह सोते करेंगे। ओनियन को भी हमें कलर नहीं लाना है, जस्ट हल्का सा तो सोते करना है। सोते करते करते हम इसके अंदर स्पाइस डाल देंगे। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर, बिकॉज कोरिएंडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, दिस इज ओनली फॉर कलर, एंड वेरी लिटिल चिली पाउडर, बिकॉज हमने इसके अंदर ग्रीन चिली भी डाली है और कसूरी, जिसको अच्छे से हम पकाएंगे। मसाले हमारे जले ना, जिसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब इसके अंदर हम ये करेला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी हेल्दी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे धीमी आंच। ये देखिए हमारा करेला रेडी हो चुका है। प्याज भी कच्ची पक्की रखनी चाहिए, जिससे कि प्याज का भी आप क्रंची रहे, खाने में प्याज का भी फ्लेवर आए। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, ना ज्यादा गलाना है, हमें कच्ची पक्की प्याज रखनी है, और करेले को भी ज्यादा गलाना नहीं है। हम गोए की प्लेटिंग कर लेते हैं। करेला बिल्कुल सही पका है, ओवर कुक नहीं हुआ है,
मैंने कई भी देखा है कि लोग ओवर कुक कर देते हैं, बिल्कुल काला कर देते हैं। बिल्कुल ओवर कुक मत कीजिए, नहीं तो खाने में अच्छा नहीं रहेगा। ये लीजिए, हमारा गोया रेडी हो चुका है करेला।